डॉलर की कीमत को कर्जे हमारे काबू करेंगे। लेकिन इस हुकूमत का हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये कंट्रोल करेगी या नहीं है। ये देखेगा डॉलर वो जब कर्जा लेते थे 150 में लेते थे और जब कर्जा वापस कर दे तो 80 रुपये में डॉलर वापस कर देते। डॉलर की कीमत को कर्जे हमारे काबू करेंगे, जो हमारी महंगाई है वो काबू करेगी, जो हमारे खर्चे हैं वो काबू करेंगे। सर ये तो हुकूमत वक्त का काम है काबू करना, और इसमें हुकूमत ही कुछ कर सकती है, अब हम तो क्या करेंगे, हुकूमत ने करना है जो भी करना है। लेकिन इस हुकूमत का हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये कंट्रोल करेगी या नहीं, अब तो मुल्क के हालात ही इस तरह के हो गए। काबू करने के लिए नवाज शरीफ ही है इनके लिए, और कोई नहीं काबू कर सकता। वो देखें ना माशियत को कहाँ से कहाँ ये ले गए हैं, इन्होंने बिल्कुल ही गिरा दिया। देखें मार्केट के हालात देखें, कोई भी आपको कस्टमर दुकानदार नज़र आएंगे, कस्टमर कोई भी नज़र नहीं आएगा आपको। ये देखें कि डॉलर वो जब कर्जा लेते थे 150 में लेते थे और जब कर्जा वापस कर दे तो 80 रुपये में डॉलर वापस करते थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं वो। ये सिर्फ नून लीग के काम है, बाकी इनके पास की कोई काम नहीं। देखे तेल कहाँ चला गया, महंगाई कहाँ चली गई, बेरोजगारी इतनी फैल गई है, हर बंदा मजदूर मर के रह गया है। ना आटा लेने के लिए 1000 रुपये की अगर वो मजदूरी करता तो आगे लेता था घी 180 रुपये किलो लेता था, अब 300 रुपये किलो ले रहा है। चीनी आगे 50 रुपये ले रहे थे, अब 120 रुपये ले रहे हैं। अब देखें आटे का थैला 1200 रुपये का मिल रहा है, 1500 का मिल रहा है। चावल जो है 200 रुपये किलो चावल मिल रहा है, जिसका रेट 100 रुपये है। ठीक है, तो गरीब आदमी किधर जाएगा मेरी जान। यहाँ देखे पूरी मार्केट है, इसमें कोई भी आपको कस्टमर नज़र नहीं आएगा। दुकानदार बिल्कुल सारे फारग बैठे हुए, ये सारे दुकानदार भाई खड़े हैं और कोई भी नहीं है।